सुनने में आया कि 10 क्विंटल दे रहे हैं प्रति बीघा के दर से, जबकि हमारा उत्पादन 16 क्विंटल 17 क्विंटल पर बीघा उत्पादन होता है। दूसरी बुआई करने में अच्छी फसलें पाने के लिए किसानों को लंबा जद्दोजहद करना होगा। जो आज 25 तारीख वाले में जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री का यहाँ कार्यक्रम लगा है, तो इसमें हमारा भी खेत गया हुआ है, जो इसमें धान का समर्थन मूल्य के मानक के हिसाब से जो पैसा दिया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जितना मेरा उत्पादन होता है वो उत्पादन के मानक के हिसाब से पैसा नहीं दिया जा रहा है। जो कि सुनने में आया कि 10 क्विंटल दे रहे हैं प्रति बीघा के दर से, जबकि हमारा उत्पादन 16 क्विंटल 17 क्विंटल पर बीघा उत्पादन होता है। एक तो मेरा देखा जाए 6 से 7 क्विंटल कटौती हो गया। आज जो ज़मीन हमारा नुकसान हो रहा है, ज़मीन में जो लेबर किया जा रहा है, रोड़ा चलाया जा रहा है, इससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति घट जा रही है। अब फिर भी मिट्टी उसका जो 1-6 इंची करो करके उठा ले जा रहे हैं, ये भी हमारा नुकसान ही नुकसान है। उस मिट्टी को जो खरोदा जा रहा है, खरोचा जा रहा है और छील के निकाला जा रहा है, उस मिट्टी को पुनः हम कैसे प्राप्त करेंगे? इस मिट्टी को प्राप्त करने में मुझे 4 से 3 से 5 साल समय लगेगा और उतना उत्पादन मैं नहीं ले पाऊंगा, तो उसकी क्षतिपूर्ति कहाँ से कर रहा है गवर्नमेंट? मुझे इसकी पूर्ति चाहिए। वहाँ पर जो 6 से 8 इंची का जो मिट्टी की खुदाई हो रही है, मिट्टी जब निकल जाएगा तो उस पुनः वापस होने में उसको 3 से 5 साल लगेगा। यानी दूसरी बुआई करने में अच्छी फसलें पाने के लिए किसानों को लंबा जद्दोजहद करना होगा। अब मुआवजे के नाम पर जो मिलना चाहिए उत्पादन के हिसाब से 16 कुंटल प्रति बीघे वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आइए, आपका स्वागत है, हम भी स्वागत के लिए खड़े हैं। लेकिन किसानों की जो जायज़ मांग है, जो उनका हक अधिकार है, उसको ज़रूर दीजिए और इसकी जनसभा के बाद जो ज़मीन उपजाऊ है उसको पूर्ण रूप से लाने के लिए भी हम चाहेंगे कि अपने कृषि विभाग के लोगों को लगाए जाए। कुछ लोगों के द्वारा ट्वीट करके ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि किसानों की फसल नष्ट करके कोई कार्यक्रम कराया जा रहा है। इस बारे में स्थिति कल ही स्पष्ट कर दी गई है कि जो कार्यक्रम कराया जा रहा है वो बाकायदा उसका फसल मूल्य देकर और उसके फसल मूल्य को देते हुए फसलों को खरीद कर तब कराया जा रहा है। जो लैंड पे छाटा गया है वो पूरे लैंड में इस जगह छाटा गया है जहाँ पर ऑलरेडी 1-2 खेत कटने शुरू हो गए थे। जनपद वाराणसी में धान खरीद 1 तारीख से शुरू होती है और 1 नवंबर से केवल 12 दिन पूर्व ये फसल खरीदी गई है। अधिकतर इसमें राइब्ड और सेमी राइब्ड फसल है और जो मुआवजा है, जो फसल का धनराशि का मूल्य पे किया गया है, वो भी 1940 रुपये जो हमारा MSP धान का सरकारी क्रय दर होती है उसके हिसाब से, और जो प्रोडक्टिविटी 40.5 क्विंटल पर हेक्टेयर की होती है, उस प्रोडक्टिविटी से गणना करते हुए सभी भूस्वामियों को धनराशि पे की गई है। किसी की भी भूमि असहमति से नहीं ली गई है। ये सारे लोग हैं, उनकी सारी सहमति के बाद ही ये सारी कार्रवाइयाँ कराई जा रही हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो जिस रिंग रोड का उद्घाटन हो रहा है वो 430 करोड़ रुपए के मूल्य से बनी है, लेकिन भूमि का मुआवजा जो इस पे दिया गया है वो लगभग 570 करोड़ रुपए पे किया गया है, वो भी किसानों को ही पे किया गया है। किसानों को जितना मुआवजा इस रिंग रोड की वजह से मिला है उससे कम ही उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इन्हीं किसानों की ही सर्कल रेट आगे बढ़ेगी, इनकी लैंड का एप्रिसिएशन होगा, इनको फ़ायदा होगा और जो भी आसपास के किसान हैं उनके लिए ये रिंग रोड एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। तो पूरी सहमति के साथ ये ज़मीन ली गई है। जो लोग इस अफवाह को फैला रहे हैं कि किसानों की फसल जबरदस्ती नष्ट की गई है, वो पूरी तरह अफवाह है।
और ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है। ये पुनः स्पष्ट कर देना हम चाहते हैं कि लगभग 8 लाख फसल का मूल्य बना था, वो सारा मूल्य चेक के माध्यम से पेमेंट हो रहा है। अधिकतर किसानों ने पेमेंट ले ली है, बाकियों को 1-2 घंटे में मिल जाएगा और पूरा MSP और पूरी प्रोडक्टिविटी के आधार पर इनको मूल्य दिया गया है। बाकायदा सारा कार्य सहमति से हो रहा है, वहाँ मौके पर किसी की भी असहमति नहीं है और सारे लोग इस रिंग रोड का जो लाभ है वो उठाने के लिए तैयार हैं। 25 अक्टूबर को जब इसका शुभारंभ होगा तो आसपास के सभी लोग उसमें आमंत्रित किए गए हैं, वो सभी स्पेशल गेस्ट की तरह इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।